बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 7.1 एक्सरसाइज में। इसमें कह रहा है रज़ा परचेस्ड एन आइटम फॉर 1590 रुपीज़ विद GST एट द रेट ऑफ 10%। कैलकुलेट द टोटल कास्ट आफ्टर GST इज़ एडेड। हमें क्या इंफॉर्मेशन दीवान है? रज़ा ने एक चीज़ ख़रीदा, ठीक है, कितने पैसे में ख़रीदा? 1590 में। और फिर इसको, ये तो असली कीमत है वो इस चीज़ का, फिर उसको 10% इस पर टैक्स अदा करना होगा। फिर हमें कह रहे कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट आफ्टर GST इज़ एडेड। हमने वो कीमत मालूम करना है जब ये इतने पैसों पर ये चीज़ ख़रीदा गया ना, और उस पर टैक्स भी दिया गया है, तो टैक्स के बाद फिर ये कितने पैसे जो है ना दुकानदार को देगा, ठीक है। इतने पैसे तो उसकी असली कीमत है इस चीज़ की, और इसके साथ टैक्स भी शामिल है, तो इसको इसके साथ वो हम टैक्स जमा करेंगे, और इसके बाद जितने पैसे आएंगे वो हमें मालूम करने हैं, ठीक है। टैक्स के साथ जितना अमाउंट ये पे करेगा दुकानदार को तो वह हमने मालूम करें। सबसे पहले हम टैक्स मालूम करेंगे कि टैक्स कितना टैक्स इस पर होगा, ठीक है। फिर इसके साथ वो टैक्स जमा करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, आसान चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इस तरह के द प्राइस ऑफ एटम कितना है, इस चीज़ की कीमत इतनी है 1590, ठीक है। और GST रेट कितना है, जनरल सेल टैक्स का रेट कितना है 10%। हमने क्या मालूम करें, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग GST, GST के साथ साथ GST को शामिल करके इसकी कीमत फिर क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम GST मालूम करेंगे, फिर इसके साथ जमा करेंगे तो टोटल कीमत हमें आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ GST। पहले हम अमाउंट ऑफ GST कैलकुलेट करें, तो अमाउंट ऑफ GST किसके बराबर होता है? हमने तरीका आप लोग जानते हैं कि 10% ऑफ दिस मनी, इस मनी को हम 10% से मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो अमाउंट ऑफ GST आता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ GST मैंने लिखा 10% ऑफ दिस, इससे 10% कितना होगा, वो हमारा टैक्स होगा। तो 10% हम इस तरह लिखते हैं 10 × 1/100, ठीक है, इसके साथ 1/100 लगा दिया और मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट के साथ 1590। तो ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट गया, तो हमारा आंसर क्या रहा है 159, और ऊपर 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 159, इतना टैक्स है, ठीक है। तो असल कीमत इतनी है और इतना टैक्स है, तो टोटल कितने होंगे टैक्स, और ये हम जमा करेंगे तो फिर टोटल आ जाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग GST, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट इतनी है 1590 प्लस ये टैक्स है 159, ये टैक्स हो गया। तो अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1590 प्लस 159, तो ये क्या बन जाता है 1749, 1590 क्या बन जाए 1749। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमने सॉल्व कर दिया।